सोलोवियन विपुल से चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे वॉक कर सकता है। ऑप्शन चेन डिकोड कर लेंगे और मेजर लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेंगे। अगर आप देख सकते हैं अभी मेरे पास, सबसे पहले हम बैंक निफ्टी ओपन करते हैं ना, बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। अगर आपने कल का एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो अच्छे से मार्केट आज प्रॉपरली वैसे ही वर्क किया जैसा हमने डिसाइड किया था, लेवल्स बड़े अच्छे हुए हैं, ठीक है, और होप सो प्रॉफिट भी आपको मिला होगा। अभी कैसे मार्केट कल रिएक्ट कर सकता है, देखो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो गई, ठीक है, और एक बड़ा मोमेंटम मिल गया वो ठीक है, बट बड़ा मोमेंटम मिला है उसके बाद नेक्स्ट डे तुरंत बड़ा मोमेंटम मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हो सकता है दैट टू कि एक्सपायरी है निफ्टी की, बट अगर आज की बेसिस पे देखेंगे तो बड़ा मोमेंटम मार्केट को जो दे रहा था वो शायद उसने दे दिया है, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन, देख लेते हैं बैंक, देखो बैंक निफ्टी का की ऑप्शन चेन देखने का कोई सेंस नहीं बनेगा आज, है ना, तो उसको हम रहने देते हैं, उसके हम लेवल्स देख लेते हैं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन है, मार्केट ने अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है। अभी हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी कब बनेगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी जब ही बनेगी जब मार्केट 43,500, ये जो 50 EMA है, देखो आज मार्केट 50 EMA के नीचे ही, मैंने बोला था साइडवेज ओपन होगा तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, गैप अप गैप डाउन में मार्केट साइडवेज चला जाता है, डिट्टो वही हुआ, साइडवेज ओपन हुआ उसके बाद शार्प लोअर लोज बनाता रहा और फिर फॉली हो गया, एट द एंड W बना के ऊपर गया, जो कि ठीक है कोई बात है, अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा आपको। अभी कैसे क्या रिएक्ट करना है, देखो 43,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन हुआ, जहां तक कल लग रहा है गैप अप टू साइडवेज ओपन होगा मार्केट, अगर 43,500 के ऊपर मिलता है 50 EMA के ऊपर, 50 EMA लगा लो और एक पुल बैक मिलता या फिर डे हाई ब्रेक करता देन एक बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि पहला टारगेट 43,700 के ऊपर तक दिख रहा है हमको, ठीक है, बस कंडीशन ये 50 EMA के ऊपर मार्केट को क्लोज करना चाहिए। नीचे आप अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जहां पे क्लोजिंग दी है ये एक अच्छे लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है हमको, ये देखो प्रीवियसली भी मार्केट यहीं पे एक बार सपोर्ट लिया था, तो मार्केट यहीं पे अगर ओपन हुआ फॉर एग्जांपल 50 EMA के नीचे, तो जब तक 50 EMA के नीचे मेरे लिए नेगेटिव रहेगा, अगर यहीं पे ओपन होने के बाद नीचे गया और यहां पे जो आज W बना था 43,250 लेवल, अगर ये ब्रेक करता तो भाई फिर नीचे एक अच्छा खासा स्पेस है जो कि मार्केट को 43,000 तक के लिए हमारे लिए टारगेट्स ओपन होके हो जाएंगे, दैट टू के बैंक निफ्टी में। सो आप होप सो गाइस समझ गए होंगे, है ना, 50 EMA वर्क एज अ मेजर लेवल, इसके ऊपर ही बाइंग के लिए देखेंगे। अगर आज के दिन का लो ब्रेक करता है वो जो कि 43,250 है, 260, देन हमारे 43,000 तक का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। सो होप सो गाइस आप सिंपल सा लॉजिक समझ गए होंगे। चलिए अभी इसके पहले एक बार हम डे टाइम फ्रेम पे भी अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो हमको नेगेटिव दिख रहा है, मुझको नेगेटिव दिख रहा है ना, अभी देखते कैसे रिएक्ट करेगा। अगर हम अभी निफ्टी की ओर चलते हैं, निफ्टी में देखो ये कल के लेवल्स हैं, जस्ट अ मिनट गाइस, इसको थोड़ा सा देखने के पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको। डे टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी देखेंगे, अभी मैं देख रहा था डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी अच्छा खासा हैमर बना दिया है टॉप पे, दैट टू के टॉप पे, ये देखो प्रीवियसली जब ऐसा हैमर बना था तब नेक्स्ट डे कितनी बड़ी सेलिंग आ गई थी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ था, ठीक है, एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके अभी निफ्टी ने एक हैमर बना दिया। तो अभी कल एक इंटरेस्टिंग डे रहेगा हमारे लिए, क्या करता है मार्केट, अपना ट्रेंड रिवर्स करता है डाउन साइड के लिए कि ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। अभी हम वापस से चलते हैं अपने लेवल्स पे, ये देखो निफ्टी के लेवल्स हमने कल के ही मार्क किए थे, कितने परफेक्टली मार्केट वर्क किया, दैट टू कि 50 EMA के नीचे गया, देन हमारे लिए एक अच्छा खासा सेलिंग साइड के लिए मोमेंटम मिला। हो सकता है आपने आज बैंक निफ्टी में किया होगा, दैट टू कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी तो थोड़ा सा फोकस इस पे ज़्यादा रहेगा लोगों का। इसके हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे, पहले थोड़े से लेवल्स पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो 19,800 अगर हम अभी अपनी ऑप्शन चेन में देखेंगे, ये देखो पूरा संसार आके बैठा है 19,800 पे। अभी कैसे क्या रिएक्ट करेगा वो देखना है, कॉल राइटर्स भी हैं पुट राइटर्स भी हैं इस लेवल पे। अब अगर मार्केट कल वही है, देखो फिर से साइडवेज ही ओपन होना पड़ेगा यार, क्योंकि ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली देखें तो अगर गैप अप गैप डाउन ओपन हो गया ज़्यादा तो साइडवेज चला जाएगा मार्केट, है ना, दैट टू के सेलर्स का मार्केट बन जाएगा और वो उसको सेलिंग मतलब जीरो कर देंगे दोनों साइड के प्रीमियम सेल करके, ठीक है। तो इसमें भी सेम 50 EMA है, कल अगर मार्केट फॉर एग्जांपल साइडवेज ओपन हुआ, है ना, ये देखो दैट टू के एक दो तीन बार एक लेवल पे आ चुका है। अब अगर साइडवेज ओपन होकर ब्रेक करता है देन 19,900 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, बट इसको हम शॉर्ट में डिवाइड करेंगे तो पहला टारगेट हमारे 19,860, इसके ऊपर 19,900, यहाँ पे दो बार प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली तीसरी बार हिट करके मार्केट ने नियरली यहीं पे क्लोज कर दिया। अभी इसको ध्यान से देखना आप। एक चीज़ और हो सकती है कि अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया 50 EMA पे आके सपोर्ट बना के देन अपसाइड के लिए जाता है, देन 50 EMA का एक इसी के नीचे का ऐसा लगा के अपसाइड के लिए देख सकते हैं। एक चीज़ और, अगर नेगेटिव चला गया सेलिंग साइड में आ गया तो क्या करें, सेलिंग साइड में अगर 19,760 इसके नीचे जाता है
देन हमारे लिए एक पहला टारगेट ओपन हो गया, होके आएगा 19,710। ठीक है, कल भी यही एक हमने लेवल मार्क किया था और एक ही कैंडल में टारगेट दे दिया और अभी भी यही लेवल रहेगा अगर साइडवेज टू गैप डाउन ओपन हुआ तो, है ना। 50 में दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेजर लेवल प्ले करेंगे। ठीक है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डे टाइम फ्रेम पे नेगेटिव दिख रहे हैं, सो देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। ऑप्शन चेन भी आप देख चुके हैं, अगर मल्टी स्ट्राइक वाइज देखेंगे दोनों तरफ पे कंप्रेस करके रख दिया है दैट टू के निफ्टी को, है ना। तो देखो हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज चला जाए, है ना। अगर 12 बजे के बाद कोई बड़ा मोमेंटम मिलता है देन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, जो भी लॉजिक है लेवल्स आपके साथ शेयर कर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।